गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लग्जरी कार में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं, कहां से आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजस्थान के भरतपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर शुक्रवार को जो है पुलिस वाले नाकाबंदी करके थे, और इस दौरान ही पुलिस वालों को एक सूचना मिली थी। खबरी के आधार पर उन्होंने ये नाकेबंदी जो है वो लगा के रखी थी कि लग्जरी गाड़ी में कोई तो तस्करी कर रहा है शराब की। इस दौरान ही बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ी को पकड़ा गया, जब्त कर लिया गया, और उस दौरान ही कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 12 कैरेट अवैध शराब जो है वहां से बरामद की गई। इस दौरान शुक्रवार रात को ये सब चीजें हुई, और वहां पर जिस कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया, उनका नाम गजेंद्र गुज्जर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अवैध शराब को भी बरामद कर लिया, उस दौरान ही इनकी हाव भाव जो है वो काफी ज्यादा बदल गए, और उस दौरान ही पुलिस वालों के साथ ही काफी ज्यादा बदतमीजी और उनको धमकी देने लग गए उनके ट्रांसफर की। इसी दौरान ही जब इनसे पूछताछ की गई, तब उन्होंने ये चीज बताया कि ये कांग्रेस विधायक जो गिंद्र के एक्चुअली में दाहिने हाथ है, और इनके फेसबुक पेज हैंडल करते हैं, और काफी सारी तस्वीरें जो है वो उनकी इनके साथ वायरल होती रहती है। पर ये सब सुनने के बाद भी वहां की जो पुलिस थी उन्होंने इनकी एक भी ना सुनी और शराब को जब्त किया, गाड़ी को जब्त किया और इनको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आगे की पूछताछ जो है इनके साथ पुलिस स्टेशन में बड़े अधिकारियों के साथ ही होगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी जो है काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।